नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अगले दिन जिनपिंग यहां से सीधे नेपाल पहुंच गए, जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। नेपाल के पीएम से जिनपिंग की मुलाकात ने भारत के कान खड़े कर दिए और साफ कर दिया कि चीन वो देश नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ लेकर जिनपिंग भारत के ही सबसे भरोसेमंद रहे दोस्त नेपाल को लुभाने में लग गए। जिनपिंग की नेपाल यात्रा इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि करीब 24 साल बाद कोई चीनी राष्ट्रपति नेपाल दौरे पर पहुंचा था। इससे पहले साल 1996 में चीनी राष्ट्रपति यहां आए थे। जिनपिंग के स्वागत के लिए नेपाल ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए। नेपाल की तैयारियां ही ये बताने के लिए काफी थी कि भारत का ये छोटा भाई अब दगाबाजी पर उतर आया है। इतिहास गवाह रहा है कि चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कई बार नेपाल का रास्ता अपनाया है, लेकिन नेपाल ने हमेशा भारत का साथ दिया। पर पिछले कुछ सालों में नेपाल का भारत से मोह भंग होता दिख रहा है। वो चीन की चकाचौंध में ऐसा खो गया कि वो ये भूल गया कि ये चकाचौंध उसे ड्रैगन के शिकंजे में बुरी तरह फंसा भी सकती। भारत से दगाबाजी कर नेपाल का चीन की ओर झुकाव होने की सबसे बड़ी वजह है वहां की सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी। सत्तारूढ़ ओली सरकार ये मानती है कि भारत का नेपाल में दखल ज्यादा है, जिसे तभी कम किया जा सकता है जब उनके रिश्ते चीन के साथ बेहतर हो। चीन से नजदीकी दिखाने के लिए ही नेपाल ने पुणे में होने वाली बिम्स्टेक बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि सिर्फ 12 दिन बाद वो चीन के साथ सेनाभ्यास के लिए राजी हो गया। ओली सरकार भारत के साथ हुए 1950 की पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर सख्त रही है। ओली चाहते हैं कि ये संधि खत्म हो जाए और भारत पर उसकी निर्भरता कम हो। भारत और नेपाल के बीच तनाव की शुरुआत हुई 2015 में, जब भारत ने अघोषित नाकाबंदी कर दी थी। इसका असर ये हुआ कि भारत से नेपाल में जरूरी सामान पहुंचना बंद हो गया। वहां जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई। इसके जवाब में नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंध सुधारने पर जोर दिया। आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू बहुल आबादी वाले नेपाल के स्कूलों में चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है। वो चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में भी शामिल हैं, जिसका भारत ने हमेशा विरोध किया। चीन ने बड़ी मात्रा में नेपाल में निवेश किया है। नेपाल के एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का निवेश है। यहाँ के बाजार भी चीनी सामान से पटे पड़े हैं। जाहिर है नेपाल की इस धोखेबाजी से चीन का एशिया में और प्रभुत्व बढ़ेगा और चीन की भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश सफल हो जाएगी। भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। भारत ने भले ही अभी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ड्रैगन के हर कदम पर हमारी नजर बनी हुई है। नेपाल और चीन के बीच मजबूत होते संबंध भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है।